कभी कभी जीवन में ऐसे बात आती है कि बस सोचने पे मजबूर कर कर जाती है। आज सुबह पार्क में था तो हमारे यहाँ ओपन जिम होते हैं, ओपन जिम पे मैं थोड़ा सा देख रहा था तो पीछे मेरे से आवाज़ आई, दो बच्चे आपस में थे, एक बच्चे ने शायद कोई वेट वेट उठाया होगा तो दूसरा बच्चा कह रहा था तेरे को डर नहीं लगता। तो उस बच्चे का जो जवाब था वो बड़े कमाल का था, वो कहता है डर क्या होता है। उसने बहुत नॉर्मल वॉइस में पूछा क्योंकि उसे सच में नहीं पता कि डर होता क्या है। तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बच्चा कितना अभय है कि इसको डर का पता ही नहीं है, निडर है। और निडर होना दुनिया की सबसे अच्छी स्टेज मानी जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी जानवर के लिए। आपने देखा होगा कि कीड़े पतंगे या जो छोटे मोटे जानवर हैं उन्हें नहीं पता कि सामने क्या होने वाला क्या नहीं है, वो निडर होकर अपना चारा अपना खाना ढूंढते रहते हैं, चलते रहते हैं, सावधान तो रहते हैं मगर भयभीत नहीं होते वो। भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ा जो देना बताया है यानी गिविंग बताई है, दान बताया है, दान माने देना होता है, वो बताया है धम्म दान। यानी किसी को अगर आप धम्म सिखा देते हैं, धम्म बता देते हैं, धम्म का रास्ता दे देते हैं तो वो दुनिया में सबसे बड़ा देना होता है, सबसे बड़ा गिविंग है, सबसे बड़ा दान है। क्योंकि जिसको आपने धम्म सिखा दिया बाकी चीज़ें उसके पास अपने आप चली आती हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम ये कहें इसको बोलते हैं अभय दान, यानी कि अभय रहना, भय से रहित रहना, ऐसा जैसे राजा किसी को कहता है कि जाओ मैंने तुम्हें अभय दे दिया अब तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, तो वो व्यक्ति बेफिक्र होकर रहेगा। या कोई व्यक्ति अगर कहीं जा रहा है और उसको कोई भय ना हो तो वो अभय से लिप्त होता है, फिर वो अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से जीता है। कोई व्यक्ति किसी के डर में है और उसको बाद में निडर हो जाए, वो अभिधान मिल जाए तो उसकी जीवन का रास्ता बहुत बढ़िया होता है। बेसिकली भय या डर होता क्या है, यानी कि जो फियर है, व्हाट इज फियर, वो है क्या, ये बहुत सिंपल सी स्थिति है। जो आप चाहते हैं वह न मिले या मिलकर बिछड़ जाए, या न मिलने की संभावना कम हो जाए, या न मिलने की संभावना खत्म हो जाए, या जो आप न चाहते हैं वह मिल जाए, मिलकर अलग न हो, या मिलने की संभावना बढ़ जाए, या मिलने की संभावना पक्की हो जाए। उस समय जो वेदना, जो भाव, जो फीलिंग्स शरीर पर आती हैं, मन में आती हैं और जो शरीर पर प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको भय बोलते हैं, उसको फियर बोलते हैं। यानी कोई चीज़ आपको बहुत प्यारी है या प्यारा है, वो आपको मिल गई और मिलने के बाद में आपको डर लगा कि आपके हाथ से निकल ना जाए, बिछड़ ना जाए, वो भय हुआ। या आपको कोई ऐसी स्थिति है जैसे आपको कोई मारने आ रहा है या पीटने आ रहा है, वो स्थिति है, उसमें आप नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति आए और वो स्थिति आ जाए, या उसका सोचें आप, उस समय जो फीलिंग आती है। या आपको ऐसी संभावना है कि आपको कहीं कुछ नुकसान हो सकता है जो आपको नहीं चाहिए, तब वो फीलिंग आ सकती है। या आपको लगता है कि वो चीज़ आपको चाहिए और वो आपको मिलने नहीं रही है, तब आपको डर लगता है। जैसे आपका एग्ज़ाम होता है, आपको पास होना है, आप पास नहीं हो पाएंगे या एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, उसकी संभावना नहीं है, तब आपको वो फीलिंग आएगी। डर की और भय की फीलिंग ऑलमोस्ट सारी दुनिया में जितने भी एनिमल हैं या जितने मैन हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, उनके सबकी लगभग एक सी होती है। भूख कम हो जाती है, खाने में रुचि खत्म हो जाती है जब भय लगता है, तो शरीर में पेट में टूंडी के नीचे यानी नवल के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ दर्द या ऐंठन होनी शुरू हो जाती है, लूज मोशन होने शुरू हो जाते हैं। जो इंस्टेंटाइन है, जो आते हैं, उनके जो मोशन है वो रिवर्स हो जाते हैं, नीचे को वो जो हमारा फीसिस है या जो हमारा खाना है उसको नीचे धकेलने के बजाय वो ऊपर की तरफ मोशन करना शुरू कर देती हैं, जिससे जो आते हैं वो उल्टा काम करती हैं और खाना आगे आता है तो टकारें आनी शुरू हो जाती हैं, या मुंह में कड़वा कड़वा आना शुरू हो जाता है, या उल्टी भी हो जाती हैं भय की वजह से। ये भय के सिम्टम्स हैं, टांगें कांपनी शुरू हो जाती हैं, कंपन आना शुरू हो जाता है, चक्कर भी आने शुरू हो जाते हैं, और ज़्यादा अगर भय हो तो डेथ भी हो सकती है स्ट्रोक से, क्योंकि हार्ट बीट उसको कंट्रोल नहीं कर पाती उस जो फीलिंग है, और वो हमारा ट्रिगर कर देता है, बटन दबा देता है उस फाइल के लिए जो फाइल ओपन नहीं होनी चाहिए, वो फाइल ओपन होते ही हमारी डेथ भी हो सकती है। भय इतना ज़्यादा भी होता है, इसको अवसाद का रूप भी बोलते हैं। ये धीरे धीरे भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है और ना भी आ सकता है। हम जब भय आता है यानी जो फियर आता है, जो डर आता है, तो उसमें हम प्रतिक्रिया दो तरह की उसको देते हैं। या तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि जो स्थिति है जिसमें डर आया है, जो स्थिति हमें नहीं चाहिए वो आ गई है,
तो हमने स्वीकार कर ली, उसके हिसाब से हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, अवसाद में चले जाएंगे, निगेटिविटी में चले जाएंगे, नकारात्मक स्थिति में चले जाएंगे और हमारे शरीर की वो फाइलें उसी हिसाब से काम करेंगी और धीरे धीरे हमारा वजन कम होगा, भूख कम होगी, हमें किसी चीज़ में रुचि नहीं होगी, सारे म्यूजिक, सारा खाना पीना सब बेकार लगेगा और हम उस भय के चारों तरफ ग्रस्त होकर धीरे धीरे मर जाएंगे। ये जब हम भय को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तब ये ऐसा होता है। और अगर हम भय को स्वीकार ना करें और उसे लड़ें, तब हम उसमें उसके लिए हम फाइट करते हैं, लड़ते हैं, फिर हम चारों तरफ बहुत ज़्यादा आग फैलाते हैं, लोगों को मारेंगे या पीटेंगे या विद्रोह करेंगे या पाप कर्म करेंगे, शराब पिएंगे या जुआ खेलेंगे या गाली गलौज करेंगे या हत्याएं करवाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल व्यक्ति है और वो भय से ग्रस्त है तो वो हजारों लोगों को मरवा भी सकता है, क्योंकि जो जितने भी डरे हुए लोग होते हैं, अगर उनके हाथ में वेपन है या पावर है, जैसे कोई डरा हुआ व्यक्ति है, अगर उसके हाथ में पिस्तौल या बंदूक है तो वो गोली चलाएगा। किसी के हाथ में अगर पूरी पूरी पावर या पूरा पूरे सत्ता है या सेना है तो वो उसका इस्तेमाल करके अपने भय को दूर करने की कोशिश करेगा। यानी कि भय को दूर करने के लिए आदमी अगर रिपेल करता है, उसका प्रतिरोध करता है, तो जितनी पावर उसके आसपास है उसे फिर फिक्र नहीं होती कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो भय से इस तरह से ग्रस्त होता है, उसको पता नहीं होता कि वो भय से डरा हुआ है, ग्रस्त है, और वो उसको रिपेल करने के लिए चारों तरफ नरसंहार, मारामारी, जितना पाप कर्म है वो सब कर सकता है और सब करता भी है। तो भय के दोनों ही प्रतिक्रिया, यानी कि अगर भय आता है और आप अगर समझ जाते हैं कि ये भय है, तो दोनों ही प्रतिक्रियाएं खराब हैं। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप खुद मर जाएंगे और अगर आप उसका प्रतिरोध करेंगे तो आप मारेंगे। तो बुद्ध ने भय को कंट्रोल करने का तीसरा तरीका सबसे बढ़िया बताया, जिसे सारी दुनिया के लोग मानते हैं, विपश्यना करते हैं, साधना करते हैं और भय को कंट्रोल करते हैं, डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। आप भय को अगर देखना जानते हैं, अगर नहीं जानते तो विपश्यना कर लीजिए, किसी भी सेंटर में जाके, जो vipassana.org करके, dhamma.org करके, भाई गुरुजी एस एन गोयनका जी द्वारा है, वो कर लीजिए, आपको भय देखना आ जाएगा। जब आपके पास भय आए तो आप भय को देखिए कि वो भय आ रहा है, फिर आप अपने शरीर पे देखिए कि ये किस तरह की प्रतिक्रिया कर रहा है, उसको आप रिप्लाई मत कीजिए, आप उसको जवाब मत दीजिए, आप उसको एक्सेप्ट भी मत कीजिए और आप उसका प्रतिरोध भी मत कीजिए। अगर आपने उसको, आपने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा तुम हमको डरा रहे हो, हमने तुमको देख लिया है, बस इतना कहते ही ये जादू जैसा होता है और भय भाग जाता है। अगर किसी व्यक्ति से आपको डर लगता है या कोई सिचुएशन आपको डरा रही है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, अच्छा तुम हमें डरा रहे हो, हमने इसको देख लिया, हमने इसको समझ लिया, और डर अपने आप निकल जाएगा। जब भी आपको डर लगे, तभी आप सारी स्थिति को देखते हुए, आपने डर को स्वीकार नहीं करना है, ना ही आपने डर का प्रतिरोध करना है, आपने सिर्फ इतना कहना है, अच्छा हमने तुमको देख लिया, समझ लिया, और इतना कहते ही वो उड़नछू हो जाता है, उसमें इतना दम नहीं होता कि फिर वो रुक जाए। अगर इस आसान तरीके से कोई डर दूर नहीं हो पाता है तो आप विपश्यना में चले जाइए। विपश्यना में गारंटेड आपका डिप्रेशन, गारंटेड आपका भय बिल्कुल निकल जाएगा, आप निर्भय होके आओगे, आप अभय बन के आओगे, आप बिल्कुल फौलाद की तरह बन के आओगे, आप बिल्कुल खुश मिजाज होके आओगे। ये विपश्यना साधना की बहुत बड़ी खासियत है, मैंने इसको चेक किया है, इसलिए मैं गारंटेड आपको इसको बता रहा हूँ। धन्यवाद।